हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के प्रैक्टिस सेट 4 में। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल 25 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे। वैसे क्वेश्चन तो इसमें 150 के आसपास आएंगे जो आपके टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, तो लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसके विषय में मैं आपको पूरा तरीके से डिस्क्राइब भी करूंगा, पूरा विश्लेषण बताऊंगा क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि आप खाली क्वेश्चन तो किताब से भी पढ़ सकते हैं लेकिन उसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा भी। तो ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइस के जॉ प्लेट की धातु होती है। अब वाइस बेंच वाइस की बात हो रही है यहाँ पे, और जॉ प्लेट मतलब वो होता है जो बेंच वाइस के जॉ होते हैं उनमें एक प्लेट लगी होती है जो टूल स्टील की बनी होती है। तो हमारा इसका जो आंसर है वो है टूल स्टील। ऑप्शन इसमें चार दिए हैं, ऑप्शन इसका है टूल स्टील, यानी वो टूल स्टील की बनी होती है और उस पर जो जॉब में वाइस क्लैंप लगाए जाते हैं वो हमारे माइल्ड स्टील के होते हैं, वो भी फिनिश जॉब को बचाने के लिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वाइस के बॉक्स नट की धातु होती है। ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी व्हाइट मेटल, ऑप्शन डी अलॉय स्टील। तो दोस्तों वाइस का जो बॉक्स नट होता है उसी पे हमारा स्पिंडल जो होता है वो मूव करता है, उसी की मदद से हमारे जॉस जो मूवेबल जॉ होता है वो आगे पीछे घूमता है। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, फास्फोरस ब्रॉन्ज। लेकिन अगर कहीं पे गन मेटल भी आ जाता है, गन मेटल, तो वो भी हमारा सही ऑप्शन होगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, रिवीटिंग के लिए कौन सा हैमर प्रयोग किया जाता है। तो रिवीटिंग के लिए ऑप्शन ए क्रॉस पिन, ऑप्शन बी बॉल पिन, ऑप्शन सी स्ट्रेट पिन और डी मैलेट हैमर। तो क्रॉस पिन हैमर किसी सीट को मोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बॉल पिन हैमर ये हमारा राइट आंसर है, इसका प्रयोग जो होता है रिवीटिंग का हेड बनाने के लिए किया जाता है। और स्ट्रेट पिन हैमर का भी प्रयोग जो होता है सीट मेटल कार में ही किया जाता है, जैसे सीट मेटल में नालियां बनाने के लिए और या उसको स्ट्रेट से मोड़ने के लिए। और मैलेट हैमर का प्रयोग हमारा जो लकड़ी के कार्यों के लिए किया जाता है। तो बॉल पिन हैमर का प्रयोग जो हमारा हो गया वो हो गया रिवीटिंग के हेड को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, रफ और टूटी हुई थ्रेड को बनने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। तो ऑप्शन ए थ्रेड का कटिंग टूल का ब्लंट होना, होल साइज का ब्लंट, ऑप्शन बी होल साइज का होल का साइज या बोल्ट के लिए ब्लैंक का व्यास सही ना होना, ऑप्शन सी कटिंग टूल के फ्लूट्स में चिप भरना। तो दोस्तों ये सारे कारण हैं जिसके कारण हमारी जो थ्रेड है वो रफ और टूटी हुई बनेगी, इसलिए ऑप्शन डी इसका। क्वेश्चन नंबर 5, ISO थ्रेड वी थ्रेड का कोड होता है। ISO थ्रेड को वी थ्रेड भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए 29, तो 29 डिग्री जो हमारा होता है वो एक्मी थ्रेड का होता है और एक्मी थ्रेड होती है हमारी लेथ मशीन के लीड स्क्रू में बनी होती है। बीए थ्रेड का हमारा 47 डिग्री होता है। 50 डिग्री की हमारी कोई भी थ्रेड 50 डिग्री की नहीं आती है, ये तो सरासर ऑप्शन गलत होगा। तो ISO थ्रेड जो होता है वो हमारा 60 डिग्री का होता है। तो इनमें से कोई भी आ जाए तो आप उसको बता सकते हैं। टेपर की पर दिया जाने वाला स्टैंडर्ड टेपर कितने का होता है। तो 1:50, बी 1:100, सी 1:48 या डी 1:96। तो इसका सही ऑप्शन है 1:100, ये हमारा स्टैंडर्ड टेपर होता है। क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में आता है। तो ए टेपर के साथ गोल, वी वृत्तखंड के आकार में या सी आयताकार या सी टेपर के साथ। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो की होती है वो ऐसे होती है, इसको अर्धचंद्राकार भी कह सकते हैं या इसको वृत्तखंड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पूरा वृत्त बन जाएगा और ये आधा वृत्त है इसको आधा काट दिए हैं तो ये वृत्तखंड है या अर्धचंद्राकार। तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा, वृत्तखंड के आकार का। एल्युमिनियम की सीट की रिविटिंग के लिए रिविट का मटेरियल होना चाहिए। दोस्तों कोई भी मटेरियल हो तो नॉर्मली हमारा जो होता है रिविट भी उसी मटेरियल का होना चाहिए। जैसे बेल्डिंग करते समय हम माइल्ड स्टील की वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमारा रॉड का जो फिलर मेटल है वो भी माइल्ड स्टील का होना चाहिए। तो ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी ब्रॉस, ऑप्शन डी रॉट आयरन। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए एल्युमिनियम इज द राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, नटों के नीचे स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोल्ट को खराब होने से बचाने के लिए, ऑप्शन बी नट को खराब होने से बचाने के लिए, ऑप्शन सी जॉब को खराब होने से बचाने के लिए, ऑप्शन डी कंपन के कारण नटों को ढीला होने से रोकने के लिए। दोस्तों आपको क्वेश्चन में ही समझना है कि क्या पूछ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑप्शन होते हैं जो देखते ही पता चल जाता है कि ये हो ही नहीं सकते। तो पहले बात तो किसी भी वाशर को लगाने का एक
जो मकसद होता है वो होता है उसके सरफेस एरिया को बढ़ाना, बोल्ड के सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि वो जो टचिंग पॉइंट हो वो बढ़ जाए और बोल ज़्यादा क्षेत्र को कवर करे। लेकिन यहाँ हमारे स्प्रिंग वाशर के बारे में पूछ रहा है, तो स्प्रिंग वाशर का जो मेन कारण होता है वो वाइब्रेशन, जहाँ कंपन होता है वहाँ पे नट को ढीला ना हो और वो उसको टाइटनेस को बनाए रखे, वहाँ पे स्प्रिंग वाशर का प्रयोग होता है। लूज पुली एक पुली है जो कि, तो आपने दोस्तों लूज पुली और सॉफ्ट पुली के बारे में पढ़ा होगा, तो इसमें ऑप्शन दिया है सॉफ्ट पुली पर फिट की जाती है, बी स्वतंत्र रूप से चलती है, सी वी ग्रुप बी आकार के ग्रुप वाली होती है, डी सॉफ्ट को पावर ट्रांसमिट करती है। तो दोस्तों जो पुली होती है, लूज एंड सॉफ्ट पुली के बारे में आपने सुना होगा, तो उसमें एक लूज पुली होती है और लूज पुली हमेशा फ्री चलती है, ये स्पिंडल पर फ्री चलती है, और जो फास्ट पुली होती है वो फास्ट पुली स्पिंडल पर घूमती है और ये फ्री चलती है। तो जब मशीन को रोकना होता है तो हम जो बेल्ट को ये लूज पुली पर शिफ्ट कर देते हैं या खिसका देते हैं, तो हमारी मशीन जो होती है वो रुक जाती है। तो लूज पुली हमारी जो है फ्री घूमती है स्पिंडल पर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जॉकी पुली क्या होती है? तो ए ऑप्शन इसका पुलियों पर स्पर जाप को बढ़ाना, बी ड्राइवर पुली में पावर को ट्रांसमिटन करती है, सी सॉफ्ट को विभिन्न स्पीडों पर चलाती है, डी विभिन्न व्यास के स्टेप वाली होती है। तो इसका जो काम है वो पुलियों को स्पर्श को बढ़ाना। मान लीजिए दो पुली है, एक ये बड़ी पुली है एक ये छोटी पुली है, इस पे ये बेल्ट गई है, तो यहाँ पे एक पुली लगा देते हैं, इसको कहते हैं जॉकी पुली। तो यहाँ का जो सरफेस एरिया है यहाँ वाला, उसको ये बढ़ा देती है, यानी वो ज़्यादा दूर तक उसको टच करने लगता है, यहाँ से भी ये टच करने लगता है, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये टच करने लगता। तो दोस्तों यही होती है हमारी जॉकी पुली, और जो ड्रिविन पुली होती है ये, और ये ड्राइवर पुली होती है, तो इसका जो रेशियो होता है वो 6:1 का होता है। इससे ज़्यादा अगर अनुपात की हमें ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर हम जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं। जॉब की बेसिक डायमेंशन पर टॉलरेंस एक साइड पर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, अगर टॉलरेंस एक साइड पे है यानी वो यूनिक टॉलरेंस है, यूनिक का मतलब हो गया यूनिलेटरल, और अगर दोनों साइड दी जा रही है यानी बाय बाय, बाय बाय हम दोनों तरफ से करते हैं, एक सामने वाला भी बाय बाय करता है हम भी बाय बाय करते हैं, तो वो हमारे जो थे बायलेटरल। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है वन साइडेड मतलब एक साइड मतलब यूनिक का मतलब यूनिलेटरल, तो हमारा यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है, और बाय बाय कर दिया यानी बायलेटरल, वो दोनों तरफ से होता है। टॉलरेंस दी जाती है, टॉलरेंस रेंज क्यों जाती है? ऑप्शन ए उत्पादन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी उत्पादन घटाने के लिए, कंपोनेंट्स को लगभग साइज में फिनिश करने के लिए, या पार्ट को स्वीकृत त्रुटि में बनाने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो टॉलरेंस होती है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। तो दोस्तों टॉलरेंस इस वजह दी जाती है कि कोई भी पार्ट है उसको स्वीकृत छूट में बनाया जाता है, जो उसकी लिमिट छूट है उसी के अंदर उसको हम बना सकें, ना कि उत्पादन बढ़ाने और घटाने के लिए। ऐसे तो बहुत छूट दे देंगे बना लो तो सारे पार्ट रिजेक्ट हो जाएंगे, तो एक जो फिक्स होता है स्टैंडर्ड साइज उसकी स्वीकृत छूट के अंदर ही साइज को बनाने के लिए टॉलरेंस दी जाती है। हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग की जाती है, ऑप्शन ए ब्लेड को क्लियरेंस देने के लिए, दोस्तों यहाँ ब्लैक ब्लेड की जगह ब्लैक लिख गया तो आप इसको ब्लेड करिएगा, और ब्लेड को जाम होने से टूटने से बचाने के लिए ब्लेड को कट को ब्लेड में फंसने से, यहाँ दोस्तों चावल गलत लिख गया है, फंसने से होगा, फंसने से बचाने के लिए, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी कार्यों के लिए। जाहिर सी बात है हमारा हक्सा ब्लेड में उसमें तीत की सेटिंग की जाती है, एक तीत दाई और एक तीत बाई और एक तीत सीधा, एक दो तीत दाई और दो तीत बाई और, तो सिंगल डबल और जिग जैग सेटिंग, तीन प्रकार की सेटिंग होती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये सेटिंग इसलिए दी जाती है कि जब हम हेक्सा ब्लेड से किसी मटेरियल को काटें तो वो ना उसमें फंसे और ना उसमें जाम हो और ना वो टूटे, तो यानी हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो टैपिंग होल का साइज होना चाहिए, टैपिंग होल से मतलब है कि जिस होल में हमको टैप करना है उस होल का साइज कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए टैप के साइज से बड़ा होना चाहिए, ऑप्शन बी टैप के साइज से छोटा होना चाहिए, ऑप्शन सी टैप के साइज के बराबर होना चाहिए, ऑप्शन डी टैप के कोर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे इसका सही आंसर है टैप के कोर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। लेकिन कोर डायमीटर क्या होता है? उसका जो अंदरूनी डायमीटर होता है होल का टैप का, उसको हम कोर डायमीटर कहते हैं। फिक्स्चर ए डिवाइस है, वर्क पीस को पकड़ता है, ऑप्शन बी वर्क पीस को लोकेट करता है, वर्क पीस को पकड़ता है और लोकेट करता है, ना तो वर्क पीस को पकड़ता है और ना ही उसे लोकेट करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है इसमें।
तो फिक्चर आपको मैं बता चुका हूँ, फिक्सर केवल जॉब को पकड़ता है, जॉब से मतलब हमारा वर्क पीस को पकड़ता है, लोकेट नहीं करता। जहां लोकेट की बात आती है, टूल को गाइड करने की बात आती है, तो वहां पे हम जिग का प्रयोग करते हैं, ना कि फिक्चर का। कास्ट आयरन को उत्पादन करने वाली फर्नेस का क्या नाम है? ऑप्शन ए ओपन हार्थ फर्नेस। ओपन हार्थ फर्नेस के द्वारा हम जो मेलेबल स्टील बनाते हैं, यानी कि सॉफ्ट स्टील बनाते हैं, और जो इसमें कास्ट आयरन या पिग आयरन इसमें पिघलाते हैं, उनकी अशुद्धियों को दूर करते हैं और उनकी ब्रिटेलनेस को कम करके हम मेलेबल स्टील ओपन हार्थ फर्नेस के द्वारा बनाते हैं। ऑप्शन बी क्यूपोला फर्नेस इज राइट आंसर। कास्ट आयरन को बनाने के लिए हम क्यूपोला फर्नेस का प्रयोग करते हैं। बेसेमर कास्ट आयरन और एमएस माइल्ड स्टील जो होता है उसकी अशुद्धियों को दूर करते हैं, और अशुद्धियाँ दूर करके हम शुद्ध क्वालिटी की माइल्ड स्टील जो है बनाते हैं। फर्नेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुडलिंग फर्नेस। पुडलिंग फर्नेस के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो पिग आयरन होता है या वाइट कास्ट आयरन होता है, तो पिग आयरन या वाइट कास्ट आयरन को पिघला करके हम जो इसमें शुद्ध रॉट आयरन पुडलिंग फर्नेस के द्वारा बनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, पुडलिंग फर्नेस से रॉट आयरन, और जो क्यूपोला फर्नेस से है वो हमारा कास्ट आयरन बनाया जाता है। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बीयरिंग बुश की धातु होती है, बीयरिंग बुश की धातु जो होती है वो गन मेटल की होती है, और गन मेटल का जो कंपोजिशन होता है वो 88 10 2 कॉपर टिन जिंक, तो 88 10 2 का इसका जो रेशियो वो होता है। हाई स्पीड स्टील का मुख्य तत्व जो होता है वो ए टंगस्टन, बी क्रोमियम, सी वेनेडियम, डी निकल। इसका टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन जो होता है बहुत ही हार्ड मेटल होता है, तो टंगस्टन जो होता है हाई स्पीड स्टील का मुख्य तत्व होता है। टूल स्टील के सरफेस की हार्डनिंग निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? जो टूल स्टील होता है उसकी हार्डनिंग के लिए इंडक्शन हार्डनिंग का प्रयोग किया जाता है। इंडक्शन हार्डनिंग जो होता है इलेक्ट्रिक कॉइल के द्वारा इसको हार्ड किया जाता है, इसमें किसी प्रकार की आपका प्रयोग नहीं किया जाता। 21 निम्नलिखित में से किस विधि में जॉब को गर्म करते हैं और फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं? जब दोस्तों बात आ जाए फर्नेस में ठंडा होने के लिए छोड़ देने के लिए, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, ए टेम्परिंग, बी हार्डनिंग, सी नाइट्राइडिंग और डी एनिलिंग। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है एनिलिंग। दोस्तों एनिलिंग जब हम करते हैं किसी धातु को, तो उस जॉब को ठंडा होने के लिए हम उस फर्नेस में ही छोड़ देते हैं, और फर्नेस को बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, क्योंकि हम इसमें एकदम से अगर ठंडा कर देंगे तो वो फिर हमारा एनिलिंग उस पर नहीं हो जाएगा। फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, तो ऑप्शन ए थर्मोमीटर, बी बैरोमीटर, सी कैलोरीमीटर और डी पैरोमीटर। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी डी सही है, पैरोमीटर। पैरोमीटर के द्वारा हम जो है पायरोमीटर, वैसे इसको कहते हैं, इसमें पैरोमीटर लिख गया, तो पायरोमीटर के द्वारा हम जो फर्नेस का तापमान नापते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है लाइफ सेंटर का जो सीस कोड होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों लाइफ सेंटर के बारे में आप जान लीजिए, लेथ मशीन का जो हेड स्टॉक की तरफ बंधा होता है स्पिंडल पे, वो होता है हमारा लाइफ सेंटर, क्योंकि वो घूमता है इसलिए उसको लाइफ सेंटर कहते हैं। और जो टेल स्टॉक में बंधा हुआ होता है वो हमारा घूमता नहीं, एक जगह फिक्स रहता है, उसको डेड सेंटर कहते हैं। तो हमारा जो लाइफ सेंटर है तो उसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, और ये हमारा लेथ मशीन पे प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, लेथ में ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को पकड़ा जाता है, तो ऑप्शन ए हेड स्टॉक पर, बी टेल स्टॉक पर, सी कंपाउंड रेस्ट पर या डी ब्लेड पर। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन बी है वो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टेल स्टॉक। टेल स्टॉक पे हमारा जो ड्रिल है वो पकड़ा जाता है और उसकी मदद से हम उसमें ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिल ग्राइंडिंग गेज, दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, मतलब इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि आप इसमें ढूंढ नहीं पाएंगे इसका आंसर कहीं भी। जो इसका राइट आंसर है वो है 118 यानी 118 डिग्री, लेकिन आपको किताब में आपको दिखेगा निम्न पैटर्न की 121 डिग्री। तो मैंने बहुत ही जगह इसकी खोज की लेकिन मुझे कहीं भी 121 डिग्री नहीं मिला। तो आप इसको इसमें इमेज में भी देख सकते हैं, जो ग्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण है वो हमारा 118 डिग्री है। ओके दोस्तों थैंक यू आईडिया से नौकरी चैनल को आप ओके दोस्तों थैंक यू आईडीआई से नौकरी चैनल को हमारे जो है आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको मैं कम से कम
इतने सेट प्रोवाइड करा दूंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं मैक्सिमम मैक्सिमम इसमें से आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।